दादा राम राम। राम राम दादा। मेरा नाम मोहन रोहेला है, मैं एक्सेल डेवलपमेंट संस्था से आया हूँ। आपका नाम और पता बताएंगे? यस बताइए। मेरा नाम रेवाराम रुवाला है, मैं ग्राम चाठा का रहने वाला हूँ। मैं कृषि कार्य करता हूँ। कृषि कार्य करते हो आप? आज ये क्या कर रहे हैं? ये मैं मटर का बीज उपचार कर रहा हूँ। आज आप ये क्या कर रहे हैं? ये बटली का बीज उपचार कर रहा है। बीज उपचार कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दोगे आप? बिल्कुल बताएंगे दादा। जो बटली का बीज उपचार कर रहे हैं आप, इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए इसमें? सबसे पहले इसके लिए एक पल्ली चाहिए। दूसरी सामग्री बटली का बीज है। ये तीसरी सामग्री इसका हाथ का मोजा है। ये चौथी सामग्री टाइक्रो जर्मन है। पांचवी पानी की बाटल इसके लिए। छठी सामग्री सापिए इसे मुंह में बांधने के लिए। दादा जो आप बटली का बीज उपचार कर रहे हैं, इसकी विधि क्या हमें बताओगे? तो सबसे पहले एक पल्ली बिछाएंगे जिसके ऊपर अपन बीज को डालेंगे। बीज को डालने के बाद में हल्के से इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। ये पानी का छींटा क्यों लगाते हैं? पानी का छींटा इसलिए लगाते हैं कि बीज सूखा रहता है अपना, तो जब ये पाउडर मिलाएंगे तो ये पाउडर बीज से चिपक जाएगा। इसके बाद में फिर अपन हाथ में मोजे, हाँ ये मोजे आप क्यों पहन रहे हैं हाथ में? ये हाथ में मोजे इसलिए पहन रहे हैं कि जो पाउडर मिलाएंगे अपन तो ये हाथ के ऊपर नुकसान नहीं करेगा, हाथ में नहीं चिपकेगा। और उसके बाद में जब अपन पाउडर मिलाने के बाद में हाथ से जर्दा खा लेते हैं, रोटी खाते हैं, किसी प्रकार का जहर अगर अंदर शरीर में जाएगा अपना नुकसान दे तो नुकसान दे। हाँ पहले मुँह पे सापी बांधेंगे। छापी? हाँ पाँव पे सापी बांध लीजिए। मुँह पे छापी क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि जब अपन पाउडर मिलाएंगे तो ये पाउडर हवा में उड़ के अपने मुँह के अंदर नहीं जाएगा इसलिए। और अब पाउडर को मिलाते समय हवा से विपरीत में अपन को बैठना चाहिए। अब ये अपन पाउडर मिला रहे हैं। जो आप ये पाउडर मिला रहे हैं बीज में, ये एक किलो बीज में आप कितना पाउडर मिलाते हैं? ये पाउडर एक किलो बीज में 3 ग्राम पाउडर मिलाया जाता है। 3 ग्राम पाउडर मिलाया ये आप मिला रहे हैं। दादा जो बीज उपचार कर रहे हैं इसके लिए सावधानी क्या क्या है? विपरीत बैठना चाहिए, क्योंकि अपन जब पाउडर को मिलाते हैं तो वह हवा में उड़ के अपने मुँह में नहीं जाता है। और बीज को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए, हल्का सा छींटा लगा कर हिसाब किताब से साथ मिलाना चाहिए। पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पानी नहीं देना। दादा जो आप बटली का बीज उपचार कर रहे हैं, इससे क्या क्या लाभ है? बीज उपचार करने से बहुत लाभ है, क्योंकि जब अपन बीज को उपचार करते हैं तो ज़मीन में जो फफूंद और कीड़े होते हैं ये बीज को खाते नहीं हैं। इसलिए पूरे जितने दाने अपन वाएंगे बीज के उतने ही दाना उगेगा, तो अधिक पैदा होगी। अधिक पैदा होने से अधिक अपने को पैसा मिलेगा, तो अधिक ही लाभ होगा। बीज उपचार करने से हमें बहुत अधिक लाभ है। दादा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए। बीज उपचार करने से पूरा बीज अपना उगेगा, उगने से अपने को बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि बीज उपचारित ही करके बाय। बीज को बिना उपचारित करके कोई भी किसान भाई नहीं बा, यही मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि बीज को उपचारित करके ही बा। दादा आपने बटली के बीज उपचार के बारे में हमें इतना अमूल्य समय देकर इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम राम। जय राम जी।